Hello everyone! Welcome to Competition Community. My name is Deepika Patil and I have brought for you CGPSC Mains 2022 Paper Analysis of Paper One Subject English Language. Okay, the Paper One that was held on 16th of June. It comprised of three subjects: Hindi, English, and Chhattisgarhi. English language was the part two and it was asked for 50 marks. So today we are going to analyze the paper. a thorough discussion on what questions were asked and uh, how, what approach we should have to solve those questions will take. Now, students, this video is actually very, very important, not only for those who have given their exams recently, but also for those who are preparing for this exam in subsequent phases. राइट सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल the एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन बाय yourself. Right, राइट आज की हम वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के पोर्शन का होगा हिंदी लैंग्वेज का एक एनालिसिस वीडियो आपका ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे जाके के आप उनको देख सकते हैं और उसको आप आ, अपने पेपर के हिसाब से मैच आउट कर सकते हैं चलिए शुरुआत करेंगे आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की ठीक है ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ our इंग्लिश लैंग्वेज was rewrite the द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस ठीक है अब देखिए इसमें हमें करना क्या था इसमें हमें करना ये है हमें यहाँ पे सेंटेंसेस को रीराइट करना है और इसको मतलब रीराइट करने का मतलब ये है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जम्बल फॉर्म्स में इनको हमें जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है ठीक है तो देखिए मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे हमें करना क्या है वॉट वी हैव टू फ्रेम वी हैव टू फ्रेम वन मीनिंगफुल सेंटेंस तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो वॉट इज़ अ सेंटेंस what actually defines a sentence a sentence is a group of words arranged in a proper format and which gives a definite meaning that is the definition of our sentence theek hai to agar hum log meaningful sentence ke structure ki baat kare to structure kya hota hai structure hamara hota hai sentence mein subject verb and object ये तीन basic चीज़ें होती हैं किसी भी sentence में Subject होता है verb होता है object होता है क्या होते हैं ये Verb वर्ब वो एक्शन है जो किसी भी सेंटेंस में दिखा रहा जा रहा है इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया जो एक्शन जो काम हो रहा है जो क्रिया हो रही है वो वर्ब है अपना ठीक है जो क्रिया है कोई ना कोई करने वाला उसका होगा कोई भी काम जो हो रहा है उसको करने वाला कोई होगा द डूअर ऑफ द एक्शन द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता क्या कहेंगे कर्ता कर्ता जो होता है वो होता है एक्शन का डूअर या आ, करने वाला राइट देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का असर ठीक है कर्ता द्वारा किए गई क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट दिस इज दी रिसीवर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है इसे हम कहते हैं कर्म जो काम करता ने किया जो क्रिया करता ने किया उसका अफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट ठीक है सो दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट जिस जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम इसको इसी फॉर्मेट में अरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर भी यही लॉजिक लगानी है मैक्सिमम टाइम वॉट वी डू इज हम हिटन ट्रायल लगाते हैं कुछ भी वर्ड को इधर उधर करके हिट एंड ट्रायल लगाते हैं कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए बनना चाहिए सारा कुछ आ जाना चाहिए और फिर इससे हमारा जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत होता है या उससे गलत आंसर्स आते हैं नॉट ऑल द टाइम्स ये सही नहीं होते हैं ठीक है एक लॉजिक मैं सिखा रही हूँ कि, कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे फिर हम लोग सारी क्वेश्चंस को ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे ठीक है अब देखिए जैसे यहाँ पहला वाला देखें अपन पहले वाले में हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं ओके नाउ द मैंने ये बोला था सेंटेंस को डिफाइन करते वक्त अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं ये वर्ड्स क्या हैं ये जो वर्ड्स हैं दे आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ठीक है जो किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं हमें अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या करने वाले हैं हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे देखने वाले हैं और ये जज करने वाले हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में कहां पर लाई करेगा ठीक है तो देखिए पे ठीक है ये ये स्पारो। स्पारो है है ये ये देखिए स्पैरो स्पैरो क्या नाउन चॉइस वाला प्रोनाउन है विथ प्रेपोजिशन क्रम्स ब्रेड क्रम्स नाउन किल्ड वर्ब ही प्रोनाउन गन नाउन वॉज जो इस सेंटेंस में होने वाले हैं अब देखो यहाँ पे एक वर्ब दिख रहा है हमको किल्ड एक प्रो नाउन दिख रहा है ही एक नाउन दिख रहा है स्पैरो नाम दिख रहा है गन तो इन सबसे हमें सिर्फ एक ड्राफ्ट आइडिया ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मारने का काम हो रहा होगा किलिंग देयर हैज़ टू बी एन एक्ट ऑफ किलिंग एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ अ गन गन भी इन्वॉल्व है इसमें एक छोटी सी चिड़िया स्पैरो इन्वॉल्व है और एक ही ही कोई प्रोनाउन या कोई व्यक्ति है जो इन्वॉल्व है ठीक है अब इसको अगर हम अरेंज करने के जाएंगे तो हमको ये समझ में ज़रूर से आएगा कि कोई स्पैरो तो गन को उठा करके किसी को शूट नहीं कर सकती दैट मीन्स कोई स्पैरो ही होगी बेचारी जिसका किलिंग गन के हेल्प से ही ने किया होगा ये एक ड्राफ्ट आइडिया जो आपके माइंड में आता है इन वर्ड्स को देख करके इस सेंटेंसेस के वो देखना है आपको देन और क्या क्या चीजें हैं अब देखो यहाँ पे क्रम्स है जिसको ईटिंग ईटिंग मतलब कुछ खा रहे होंगे क्या खा रहे होंगे तो यहाँ पे क्रम्स जैसा कुछ दिख रहा है वो खा रहे होंगे ठीक है क्रम्स यानी कि ब्रेड क्रम्स ठीक है तो ब्रेड क्रम्स खा के जो व्यक्ति है उसने तो स्पैरो को नहीं मारा होगा इट मे पॉसिबल कि कोई स्पैरो होगी जो कि ब्रेड क्रम्स खा रही होगी और उसे एक व्यक्ति ने गन से मार दिया तो ये एक ड्राफ्ट आइडिया है जो हमारे दिमाग में आया जब हमने सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाना ठीक है तो ड्रा उसी ड्राफ्ट को हम लोग जो है थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं क्या हो सकता है क्या हो सकता है ही He...

गन eating some crumbs. ठीक है He killed the sparrow with a gun which was eating some crumbs. ठीक दस इज सेंटेंस। अब हम कैसे चेक करेंगे अब हम चेक कर रहे हैं सारे वर्ड्स आए या नहीं कोई छूट तो नहीं क्या तो देखो यहाँ पे स्पैरो कहाँ है था स्पैरो विच विच विथ विथ क्रम्स क्रम्स किल्ड किल्ड गन गन वॉस वॉस सम सम ए ए ईटिंग अच्छा हाँ ही अन ही that means all the words are incorporated and hence the sentence is formed this is the answer he killed the sparrow with a gun which was eating some crumbs ठीक है दिस इज देंटर एंड दिस इज द प्रोसेस ये मैंने प्रोसेस सिखा दिया आगे सारे सेंटेंसेज में यही आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन हिज एक्टेड Considering एडमायरेबली हैज डिफिकल्टीज ऑफ ही ठीक है तो कुछ कुछ चीजों का हिंट आपको कुछ कुछ चीजों का हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या मिलेगा देखो यहाँ पे एक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हेल्पिंग वर्ब तो हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए परफेक्टेंस तो हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो वैसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे देखो ही एक वर्ड दिख रहा है ही ठीक है एंड और क्या दिख रहा है एडमायरेबली एडमायरेबली इज एन एडवर्ब तो एडवर्ब है तो एडवर्ब कहाँ से आया होगा किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हो रहा होगा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली हम बना लेंगे सेंटेंस तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ इस पोजिशन कंसीडरिंग द डिफिकल्टीज of his position considering the difficulties of his position he acted admirably he acted admirably then third one any work to is much to the for single handed टू मैन ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा एनी वर्क फॉर द सिंगल हैंडेड मैन एनी वर्क फॉर द सिंगल हैंडेड मैन इज टू मार्च टू डू ठीक है इज टू मच टू डू दिस इज दरेंजमेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेजर मेकिंग ने करेक्शन यानी कि एरर करेक्शन करना है हमको ठीक है एरर करेक्शन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर वन बोला है ईच वन ऑफ अस आर डिसाइडिंग अपॉन द मैटर तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे जो एरर है ये एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है ठीक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है अभी जैसे हम लोगों ने सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड किया या देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है इसका मतलब यही होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं अब यहाँ पे बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट का होना नहीं होना सेंटेंस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में ना भी हो तो भी चलता है इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का रहना ठीक है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब लगेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या बोलता है सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा दैट सिंपली मीन्स इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर देन वर्ब यूज शुड ऑल्सो बी सिंगुलर एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल के साथ प्लूरल यहाँ यह पे बात हो रही है इच वन की तो ईच वन जो हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब यूज हुआ है आर डिसाइडिंग आर यूज होता है प्लूरल के साथ में That means हमें यहाँ पे R को is बनाना होगा. Each one of us is deciding upon the matter. This is the correct statement, right? Then second. Sitting in the garden, a scorpion stung her. यहाँ पे दो phrase दिख रहे हैं आपको. एक दिख रहा है sitting in the garden. दूसरा दिया दिख रहा है a scorpion stung her. ठीक है अब यहाँ पे ये जो दो है यहाँ पे एक गार्डन में बैठने की बात हो रही है और एक बिच्छू स्कॉर्पियन के काटने की बात हो रही है जो मिसिंग चीज दिख रही है हमको वो मिसिंग दिख रहा है टाइम फ्रेज डिफरेंस टाइम फ्रेज हमें मिसिंग दिख रहा है तो टाइम फ्रेज को हम ऐड कर देंगे वेन सिटिंग इन गार्डन स्कॉर्पियन वेन सिटिंग इन गार्डन स्कॉर्पियन स्टंग

तो ये जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है इसमें हम किसी भी नाउन के कुछ क्वालिटीज को एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो दैट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं हम किसी एक की कंपेरिजन किसी दूसरे से कर रहे होते हैं दो चीज़ें होती हैं जिसके बीच में कंपेरिजन होती है एंड दैट इज कंपेरिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन एंड देन सुपरलेटिव डिग्री वेन वी कंपेयर वन सिंगल एंटिटी विथ ऑल अदर एंटिटीज तो हम उस कंडीशन में हम उसके बाद में फिर हम उसको स्टैंड आउट कर रहे होते हैं तब हम उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ठीक है अच्छा अभी इसमें एक छोटा सा वो रहता है यूजेजेस का ट्रिक कि जब भी हम कभी कंपेरेटिव डिग्री के एड्जेक्टिव यूज करते हैं हम उनके साथ यूज करते हैं दैन और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज करते हैं हम उनके साथ यूज करते हैं द ठीक है हम बोलते हैं जैसे मैंने इसको इसको मैं बोल रही हूँ दिस इज द द बेस्ट पेन इन क्लास ही इज द द बॉय ऑफ क्लास शी इज द दोस्ट ब्यूटिफुल तरीके से हम लोग जब भी भी यूज कर रहे हैं तो द का यूज कर रहे हैं के साथ में ठीक है ये जो दैन वर्ड यूज हुआ है प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है ये यूज होता है तब जब हम दो ग्रुप्स के बीच कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ वो जो दो है वो कौन कौन है एक तो है जॉन जॉन की कंपैरिजन हो रही है ऑल मैन सभी मैन के साथ में जॉन की कंपैरिजन सभी मैन के साथ हो रही है तो अब यहाँ देखिए यहाँ अगर हम ऑल कह रहे हैं तो ऑल से मतलब ये है कि जॉन भी तो उस ऑल में शामिल होगा अगर मैंने ऑल कह दिया तो ऑल का मतलब पूरा की तरीके से ऑल हुआ ना दैट मीन्स ये जो जॉन है ये खुद भी इसमें शामिल हो गया तो अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम इसकी कंपैरिजन खुद इसी से थोड़ी करेंगे

ठीक है पुल फुल्स लाइक टांग खिंचाई करना दैट सिंपली मीन्स टू टीज सांबड़ी टू टीज सांबड़ी वट कैन बी अ सेंटेंस वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस लाइक आर यू श्योर दैट आई आर यू श्योर दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड Or you are just pulling my legs. You can write it this way, or you have uh, you are aware of the meaning. You can form any other sentence also, like spill the beans. Spill the beans. This phrase means what? To reveal something. This means to reveal something to open up okay hmm. ha fir iski kya bana sakte don't spill the beans don't spill the beans it is supposed it is supposed to be राइट uh, right. अब ये जो देखा रहा है लुक आउट वॉट दिस फ्रेज इज चलिए देखेंगे लुक आउट ये जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है क्या है ये फ्रेजल वर्ब है एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन में मतलब ब्रीफली बता देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं वॉट एक्चुअली आर फ्रेजल वर्ब्स तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट वैन एवर एनी वैन एवर एनी फ्रेस वैन एवर एनी फ्रेज

अ वर्ग अलोंग विदोजिशन टूगेदर विथ वर्क एज अ वर्ब ऑफ अटेंस ठीक है इनकी खासियत क्या होती है इनका बात क्या होता है जो कहने वाला कि जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स होते हैं दैट मीन्स ये वर्ब एंड प्रपोजिशन इनका इंडिविजुअल मीनिंग कुछ और होता है बट जब ये एक साथ एक फ्रेजल वर्क की तरह काम कर रहे होते हैं तो ये कुछ और ही मीनिंग को डिपेक्ट कर रहे होते हैं ठीक जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ब है लुक और उसके साथ प्रीपोजिशन है आउट लुक आउट तो लुक आउट का लुक का मतलब होता है देखना आउट का मतलब होता है बाहर तो लुक आउट का मतलब वैसे हो जाएगा बाहर देखना नहीं जो फ्रेजल वर्ब है लुक आउट उसका मतलब होता है तैयार रहना दैट मींस टू बी विजिल टू बी विजिल तैयार रहना या सतर्क रहना अलर्ट एंड विजिल राइट right, इस फ्रेज का मीनिंग होता है कैसे सेंटेंस बना सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल द गवमेंट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ऑल द शॉपकीपर्स द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ऑल द शॉपकीपर्स टू लुक Out for to look out for forged notes. Government ने shopkeepers को सभी दुकानदारों को जाली नोटों के लिए सतर्क रहने का आदेश जारी किया इस मीनिंग के साथ में ये वाला यूज हो रहा है क्लियर आई होप दिस इज क्लियर नाउ नाउ नेक्स्ट क्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक सॉरी ब्रेक इन नेक्स्ट इज ब्रेक इन तो यहां भी देखिए ब्रेक इन में ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और इनका मतलब होता है इनका मतलब होता है अंदर तो इसका मतलब अंदर तोड़ना नहीं होता है ब्रेक इनका मतलब होता है इंटरप्ट ब्रेक इन का मतलब होता है interrupt. इंटरप्ट या किसी को जैसे कोई बोल रहा है कोई बात कर रहा है और उस बीच में आप बीच में इंटरप्ट कर दें, रोक दें और अपनी बात कहने लग गए तब हम उसको break in कह कहते हैं. जैसे वेन शी वॉज एक्सप्लेनिंग वेन शी वॉज एक्सप्लेनिंग ही ब्रोक In saying he broke in so saying that is a lie. Okay, so this sentence can be formed in uh, with this phrasal verb. Okay. So next. Next question raha have write the synonyms of the following words. Synonyms mean similar in meaning. So the word given is cheerful. Cheerful ka matlab hota hai joyful.

anonymous yani yeah, that means agyat ya unnamed moving on to next write the antonyms of the following words antonyms ka matlab hota hai opposite in meaning so the word contemporary contemporary ka meaning hota hai samkalin with the same time simultaneously कैसे कह सकते हैं तो समकालीन को कंटेंपरेरी कहते हैं तो जो कंटेंपरेरी नहीं है जो समकालीन नहीं है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा outdated या ओल्ड फैशन आउटडेटेड या ओल्ड फैशन कंटेम्प्ररी का आउटडेटेड आइसोलेट आइसोलेट कर देने का मतलब क्या हो जाता है आइसोलेट कर देने का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना आइसोलेटेड लैंड दैट इज इन एक्सेबल दट इज फार अवे इन सर्टेन रिमोट प्लेस ठीक है ऑपोजिट क्या हो जाएगा एक्सेसबल एक्सेबल देन करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है कमिटी कमिटी का स्पेलिंग होता है सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल इसका स्पेलिंग होता है सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी ई एन सी ई करस्पॉन्डें ठीक है देन गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन वर्ड सब्सिट्यूशन वाले क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सिट्यूशन में अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड इसका इसका मतलब होता है द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जीबिटेड इसको हम कहते हैं म्यूजियम या yeah, इसी को ही हम एग्जिबिशन भी कह सकते हैं एग्जिबिशन देन अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस ही इज कॉल्ड एज थीस्ट एथीस्ट एथीस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एज थीस्ट वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गॉड इज कॉल्ड मोनोथीस्ट one who believes in existence of multiple gods is called as polytheist so this is all about theism right okay so with this we have completed this section now we'll come to question number 4 that is passive voice and the second part of this particular question says change into active voice so here we have to change from active voice to passive voice okay तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट बताती हूँ एक बेसिक रूल बताती हूँ किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म करते हैं उसके बाद फिर इन चारों क्वेश्चंस को एज इट इज हम देखेंगे ठीक है तो कैसे करते हैं देखिए अगर हम वॉइस की बात करें तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है एक्टिव वॉइस होता है वेयर द डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड पैसिव वॉइस होता है जहां पर पे वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट राधर देन हु हैज डन इट सब्जेक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट लाइक द वर्क डन इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो एक्टिव वॉइस में जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है सेंटेंस लिखा होता है फिर उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है फिर उसके साथ में एक मेन वर्ब होता है फिर उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है फिर उसके साथ में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ठीक है जब हमें इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे विल जस्ट इंटरचेंज दोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा इसके साथ लग जाएगा बाय ठीक है और उसके बाद में मेन वर्ब मेन वर्ब के लिए याद रखेंगे जब भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो जो मेन वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब लगभग सभी फॉर्म्स में यूज हम करते हैं वी वन फॉर्म द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है वी टू फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है वी थ्री फॉर्म परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है वी फोर फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है ठीक है लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ये मेन वर्ब चाहे जिस भी फॉर्मेट में हो पैसिव वॉइस में आने के बाद में वो क्या हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है एंड देन हेल्पिंग एडेड टू इट बात आई समझ में ये बात आई समझ में एंड ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ़ सेंटेंस है इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे ठीक है अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाली बात है वो समझिए जरा ठीक है टेंस के रिलेशन में अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो टेंस होता है सेंटेंस का राइट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों जगहों में जो सेंटेंस का टेंस प्लीज मेक इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम एक्टिव वॉइस और वॉइस में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं हो रहा है सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं हो रहा है अब बोलोगे मैडम आप दोनों उल्टा उल्टा बोल दिए एक तरफ तो आपने कह दिया कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ दूसरा तरफ आप कह रहे हो कि टेंस चेंज करना नहीं है करेंगे कैसे क्योंकि थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंसेस में आता है हाँ पता है थर्ड फॉर्म परफेक्ट तो टेंस में ही आता है लेकिन फिर भी हमें पता है कि टेंस चेंज नहीं होगा अब इसने जद पकड़ ली मेन वर्ब ने कि मैं पैसि फॉर्म में अगर गया तो मैं सिर्फ थर्ड फॉर्म में जाऊंगा वरना जाऊंगा ही नहीं तो इसकी जिद के आगे हम क्या कर सकते हैं ठीक है तो फिर हम दूसरी हेल्प लेंगे ना हमें तो ये चाहिए कि हमें टेंस टेंस का का सेंटेंस जो है उसको चेंज नहीं करना है उसको सेम रखना है तो ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहा क्योंकि ये बात सुन नहीं रहा है थर्ड फॉर्म में जाके बैठ गया तब हम जाकर के मदद लेंगे बी फॉर्म ऑफ वर्ब की किसकी बी फॉर्म ऑफ वर्ब की ठीक है तो वर्ड के बी फॉर्म की बात करें तो बी फॉर्म क्या क्या हो सकता है ठीक है बी फॉर्म में आ जाता है आपका इज एम आर वर्स वेयर हैड इस तरीके से आता है फिर ये बी का अपना ही एक बीन होता है थर्ड फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म होता है बीइंग तो ये एक अपना एक पिटारा खोल के रखता है जब ये साथ ना दे तो इस पिटारे से जाते हैं और हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब ये जो पिटारा खुला बी का हेल्पिंग वर्ब ठीक है इस पिटारे में से किसको कब यूज करना है ये कौन बताता है ठीक है तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में किसका किसके हिसाब से फॉलो करता है एक तो सबसे पहले अपने बॉस को फॉलो करता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो एक असिस्टेंट है ठीक है तो उसका जो बॉस तो दोस्त, दोस्त कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे या सेंटेंस का टेंस कैसा है अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस के टेंस को चेंज देखेंगे वर्ब को ठीक है तो यहाँ पे जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात करते हैं इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये अपने अगल बगल के लोगों के हिसाब से एडजस्ट होता है सिमिलरली जब पैसिव वॉइस की बात आती है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करने की बात आती है तो ये भी सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा और ये वाले नए सेंटेंस का सब्जेक्ट उस पुराने सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वही यहाँ आकर के सब्जेक्ट बनता है समझ में आ रहा है बेसिक कंसेप्ट कैसे चेंज करना है क्या चीजों को लगाना है क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ठीक है इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे इसको एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव बनाएंगे ठीक है तो अब मैं आंसर बता देती हूँ लॉजिक आप लोग सीख चुके हैं Question: hai, They propose to build a dam for irrigation purposes. A dam to be built for irrigation purposes is Proposed by ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली थी ये वाला जो वर्ड था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ये सब्जेक्ट था द रीजन व्हाई ये सब्जेक्टिव केस में लिखा गया लेकिन जब हमने इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये वाला जो वर्ड था वो इस नए वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है दैट द रीजन वाई इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस में रखा है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए देन नेक्स्ट ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस येस्टर ठीक है आई वॉज Invited by him to his house yesterday. I was invited by him to his house yesterday. ओके ना उल्टा एक्टिव वॉइस चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस ही विल बी ग्लैडेंड बाय द साइट ठीक है अब देखिए बाय के साथ जो आया है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि बाय के साथ जब हम लोग सब्जेक्ट को उधर लेके जाते हैं तो उसको वापस लेके आना है तो ये कैसा हो सकता है स्टेटमेंट द साइट विल ग्लैडन हिम ठीक है हम आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेयर के बाद में बाय के साथ जो सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो कहीं लिखा दिख नहीं रहा है ठीक है दैट मीन्स वहाँ सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं थी तो हमने बिना सब्जेक्ट के भी लिख लिए लेकिन जब हमको उसको इसमें चेंज करना है एक्टिव में देन वी नीड अ सब्जेक्ट तो जब सब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम वहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सामबडी और सामवान Offered me chair. Then fill in the blanks with suitable prepositions. I called dash him at his office. Chike. I called. ब्लैंक हिम आई कॉल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक देन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन कंजंक्शन ऐड करने हैं तो द अर्थ इज लार्जर डैश द मून ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लार्जर कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बात हो रही है कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लग जाता है दैन लग जाता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही डिस्कशन किया देन माई ग्रैंड फादर डायड आई वॉज बॉर्न माई ग्रैंड फादर डायड बिफोर आई वॉज बॉर्न प्लीज इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स आर्टिकल्स लगाने हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एन द ठीक है उसी को यूज़ करना है तो प्लीज हैंड मी एन एनवल माई मदर इज एन ऑनेस्ट वमेन अब यहाँ क्या करना है इंसर्ट रिलेटिव प्रोनाउन्स अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस एड करने हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में की तरह काम कर रहे होते हैं और ये क्या करते हैं ये रिलेट करते हैं किसको रिलेट करते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करने का काम करते हैं या दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं गर्ल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सुजैन इज द गर्ल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय सिस्टर इज अउंड ओरेटर इज एन ओरेटर हिमसेल्फी नेक्स्ट कंप्लीट दी फॉलोइंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ दर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ड बोला है, that means, कुल tense का question है ये इसको देख लेते हैं दे डैश द्रिज फॉर सेवरल मान्थ क्या है तो ये किस तरह का टेंस होता है तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस फॉर के साथ टाइम लगा हुआ दिखा मिलता है प्लस इसमें कोई इसके अलावा दूसरा टाइम डिनोटिंग एडवर्ब नहीं है इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस दे है माई अंकल डैश टूमारो टूमारो बता रहा है फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अराइव विल अराइव टूमोरो माई अंकल विल Arrive tomorrow. Mr. Hari dashed to Japan. Mr. Hari has been to Japan. Then, inside a suitable model auxiliaries. Model auxiliary verb dalna hai. We must report the incident to the police. Must. Fill in the blanks by changing nouns given in brackets onto adjectival forms. That means. नाउन ब्रैकेट में दिया है इसके एडजेक्टिव फॉर्म को हमको सेंटेंस के ब्लैंक स्पेस में फिलअप करना है इट वाज वेरी डैश ऑफ हिम टू से दैट इन क्लास वर्ड वर्ड दिया हुआ है फूल तो फूल से बन जाएगा फूलिश इट वाज वेरी फूलिश ऑफ हिम टू से दैट इन द क्लास मिस्टर राव इज अ वेरी इरीटेटिंग पर्पज पर्सन

4 pm तक वो वेट कर रहे थे तो वेट कैसा वेट हुआ उनका कैसे वेट कर रहे थे तो पेशेंटली वेट कर रहे थे दे waited patiently until 4 pm चार बजे तक धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे द अकबर रूल्ड डैश फॉर मेनी इयर्स अकबर एक बहुत ही ज्यादा महान और पावरफुल राजा था तो उसने अपना रूल भी कैसा किया होगा पावरफुल तरीके से दैट इज पावरफुली

ये एक पैराग्राफ जो दिया है इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले वाले अगले वाले साइड में दिए हुए होंगे उनको आपको इसके सारे यहाँ से आंसर खोज के निकालना है आंसर सारे इसी में मिलेंगे ठीक है चलिए लेट्स ट्राई दिस मैं पहले एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ आप मेरे साथ साथ इसको ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या वर्ड है उसको ध्यान रखती है रहिए देन वेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विल कम बैक टू द सेम पैराग्राफ A new chapter has been added to the decades long scientific quest for water on the moon. An instrument on the Chandrayaan 1, known as the Moon Mineralogy Mapper, has detected unmistakable signs of water molecules at many places on the surface of our celestial neighbor. Years before humans set foot on the moon, scientists conjectured that there might be water there. But when samples of lunar rock and soil brought back by the Apollo astronauts were analyzed, the results dampened such hopes. The moon appeared to be, in the words of one scientific paper, an exceedingly dry place. The search for water on the moon, however, revived in the 1990s when two US spacecrafts, the Clementine and the Lunar Prospectus, प्रोस्पेक्ट फाउंड एविडेंस ऑफ वॉट वॉज से फॉर्म ऑफ आइस इन पर था हमारा पैराग्राफ इसके बेसिस है, हैं हम ये है क्वेश्चन फर्स्ट है वॉट हैज बीन डिटेक्टेड बाय द मून मिनरोलॉजी मैपर ठीक है तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में मून मिनरोलॉजी मैपर के बारे में बताया गया है हमने पढ़ा था पैराग्राफ में लेट्स गेट बैक टू द पैराग्राफ कहाँ पर है मून मिनरोलॉजी मैपर यहाँ पे है क्या किया है इन्होंने मून मिनरल एट मेनी प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून सेकेंड द फ्रेज सेलेस्टियल नेबर डिनोट देखिए सेलेस्टियल नेबर बोल करके किसके बारे में बात कर रहा है मून के बारे में बात कर रहा है द मून इज आवर नियरेस्ट सेलेस्टियल नेबर

वेट ये देखो ल्यूनर रॉक कहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए ये सैंपल्स ऑफ ल्यूनर रॉक ब्रॉड बैक बाय दी अपलो एस्ट्रोनॉट्स द रिजल्ट्स वर एनालाइज्ड एंड व्हाट इट वाज सेड दैट द मून इज एन एक्सट्रीमली ड्राई प्लेस देन व्हेन डिड द सर्च ऑफ द वाटर ऑन द मून रिवाइव ठीक है इसका भी दिया हुआ है यहाँ पे वेन मतलब टाइम तो कहीं रिवाइव कब हुआ था ये देखिए रिवाइव्ड इन नाइनटीन नाइनटीज ठीक है द सर्च फॉर द वॉटर ऑन द मून रिवाइव इन नाइनटीन नाइनटीज दूस यू एस स्पेसक्राफ्ट क्लेमेंटाइन एंड ल्यूनर प्रोस्पेक्टर फाउंड एविडेंस ऑफ वॉट वॉज से लाइकली टू बी फाउंड इन द मून कहाँ मिलेगा तो ये अपने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वॉटर इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ आइस इन परमानेंटली शेडोड क्रिएटर एट द पोल्स सो देखा आपने सारे के सारे आंसर्स आपके स्टेटमेंट या पैराग्राफ में ही मिले हुए हैं इसके लिए हमें पहले से कुछ भी प्रायर नॉलेज या किसी रटे रटाए ज्ञान की जरूरत नहीं है बस आपको कॉम्प्रिहेंड करना है कॉम्प्रीहेंशन द वर्ड इट सेल्फ मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यू हैव टू रीड द पैराग्राफ अंडरस्टैंड इट एंड देन आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली राइट देन लास्ट वन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन द प्रेसी राइटिंग राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट ठीक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड आस्पिरेंट्स इस बात से कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें करना क्या होता है क्योंकि आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता है प्रेसी का मतलब क्या होता है ठीक है द मीनिंग ऑफ प्रेसी इज अ समरी रिपोर्ट प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है जो भी आपको दिया गया है उसका एक समराइज्ड व्यू ठीक है अब समराइज करने का वन थर्ड लेंथ का बोलता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं हर थर्ड वर्ड को लिख लेते हैं काफ़ी लोग क्या करते हैं इस पूरे पैराग्राफ के जितने नंबर ऑफ लाइन्स है उसको काउंट करके डिवाइडेड बाई थ्री कर देते हैं शुरू के उतने लाइन लिख लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं ठीक है सो so, ऐसा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है इसका सिर्फ मतलब होता है आपको समराइज रिपोर्ट बनानी ठीक है इसको मैं एक छोटे एग्जांपल से बताती हूँ आप समझेंगे कि प्रेसी राइटिंग में करना क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं ठीक है आप एक स्कूल गए ठीक है स्कूल में आप सुबह चार घंटा पढ़ाई की आपने फॉर एग्जाम्पल चार घंटा तक आपकी स्कूल की पढ़ाई चली चार घंटा के स्कूल की पढ़ाई में जब आप वापस घर आए तब आपके एक दोस्त का फोन आया आपको और उसने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वो आज स्कूल जा नहीं पाया तो उसने आपसे पूछा कि ऐसा क्या क्या करवाया गया स्कूल में जो मैंने मिस कर गई ठीक है तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में उस कंडीशन में आप सुबह आठ बजे से लेकर के बारह एक बजे जितने देर तक आप स्कूल में थे पूरा का पूरा उतना टाइम लेकर के उसको बात करोगे और उसको सब कुछ समझाओगे सुनाओगे क्या क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप नहीं ना ऐसा नहीं करते हम हम क्या करते हैं हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं आप स्कूल नहीं गए थे तो आज बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं हुआ परेशान मत होइए ठीक है हम जो आज ये टीचर एबसेंट थी इनकी जगह ये सब्सिट्यूशन लगा था इस सब्जेक्ट की क्लास हुई इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ाया गया इस सब्जेक्ट में ये होमवर्क दिया गया क्लास में ये ये एक्टिविटीज करवाई गई एंड देन उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई देखा आपने जो पूरा चार घंटे का सफर था वो चार घंटे का सफर आपने हार्डली दो से तीन मिनट में बता दिया कि मेन मेन पॉइंट्स या मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई अब कल दिन जब आपका फ्रेंड स्कूल आएगा तो उसे ये नहीं फील होगा कि मैं कल नहीं था क्योंकि उसको पता है कि मोटा मोटी क्या हुआ था इट हैज ब्रीफ एंड जस्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ विंगे या दिफोर राइट सिमिलरलीट इज देयर इन प्रेस ही ऑल्सो आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट या पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं बताना होता आपको क्या करना होता है आपको उसी चीज को समराइज करना होता है और उसको अपनी भाषा में बतानी होती तो जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज या जो स्टेटमेंट्स उसमें यूज हुए हैं वही आपको आपको रिपीट करनी है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो बट द सेंस एंड मीनिंग शुड नॉट चेंज ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो किए कुछ और रहा है और आप कुछ और बता दे आई बात समझ में आई होप नाउ द वर्ड इज क्लियर टू यू आप इस पे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो देन यूल टू फॉर्म अ पैराग्राफ ऑफ योर ओन इन योर ओन सेंटेंसेस राइट इसका प्रेसी फॉर्म में ये यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको पढ़ लीजिए एंड देन यूल बी एबल टू फॉर्म दी सेंटेंस ऑन योर ओन ठीक है ठीक तो दिस वॉज द कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पेपर दैट वॉज हेल्ड ऑन 16th ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मेन्स का पेपर था ये ठीक है ऐसे ही और पेपर एनालिसिस के साथ में ऐसे ही और टॉपिक डिस्कशन के साथ में हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में से बाकी एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं और अपने जो सब्जेक्ट है जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं जिन बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप तैयार करें कि हमें नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे अप्रोच करना है इसके अलावा बाकी के सभी सालों के क्वेश्चन को जो है आप लोग देखिए सॉल्व करिए एनालाइज करके अपना खुद का सॉल्यूशन बनाइए और अगर कोई भी डाउट हो दिक्कत हो कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताइए हम उनको सुधारने की उनको आ, सही करके सही आंसर आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच